जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका SSB क्रैक एग्जाम्स में। आज की वीडियो में हम जानेंगे पावर एंड ड्यूटीज ऑफ कैप्टन इन इंडियन आर्मी के बारे में। दोस्तों, इंडियन आर्मी में कैप्टन एक काफी रिस्पेक्टेबल पोस्ट होती है। न्यूली कमीशन्ड लेफ्टिनेंट 2 साल की सर्विस के बाद कैप्टन बनते हैं और कैप्टन बनने के साथ शुरू होते हैं नए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का सफर। इंडियन आर्मी में इन्फेंट्री कंपनी, जो कि मेजर द्वारा कमांड की जाती है, उस कंपनी में कैप्टन सेकंड इन कमांड होते हैं। जब कैप्टन फील्ड में डिप्लॉयड होते हैं, उनकी ड्यूटी होती है अपनी ट्रूप्स के साथ ऑपरेशंस जैसे कि एम्बुश, पेट्रोलिंग, रोड ओपनिंग, रेस्क्यू टीम में पार्ट लेना। और जब यूनिट पीस में पोस्टेड होती है, तब उनका काम होता है अपनी सब यूनिट की ट्रेनिंग और बैटल रेडिनेस को लुक आफ्टर करना। ऑफिशियली वो अपनी ड्यूटीज कंपनी कमांडर, स्क्वाड्रन कमांडर या बैटरी कमांडर के रूप में डिस्चार्ज करते हैं। एडिशनली वो कमांडिंग ऑफिसर द्वारा दी गई बटालियन या रेजिमेंटल ड्यूटीज को हैंडल करते हैं। कैप्टन का प्राइमरी काम है टू कीप एवरीथिंग एज एफिशिएंट एंड एज फास्ट एज पॉसिबल। कैप्टन्स ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हैंडल करने में माहिर होते हैं। टिपिकली कैप्टन को अपनी कंपनी और ट्रूप्स के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। साथ में उन्हें अपने वेपन और इक्विपमेंट की इनसाइड आउट नॉलेज होनी चाहिए। ही मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। दोस्तों, अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक की बुक्स को पढ़ना ना भूलें। इन बुक्स में आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एक्सरसाइजेस मिलेंगे, जो आपको SSB इंटरव्यू के लिए सही तरीके से प्रिपेयर करेंगे। इन बुक्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैप्टन अपनी कंपनी को ट्रेन करने के साथ साथ खुद भी ट्रेन होते हैं। कैप्टन इंश्योर करते हैं कि उनकी कंपनी की लॉजिस्टिक्स बेस्ट हो, जो इंक्लूड करती हैं टॉप क्लास फंक्शनिंग ऑफ कुक हाउस। कैप्टन कई बार अपनी ट्रूप के साथ मील शेयर करते हैं, उनसे उनकी प्रॉब्लम्स फॉर्मली और इनफॉर्मली डिस्कस करते हैं। कैप्टन JCOs और NCOs की भी मदद करते हैं, ताकि वो अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को स्मूथली डिस्चार्ज कर सकें। कैप्टन काफी फर्म और रिस्पॉन्सिबल होते हैं फेयर कमांड लेने के लिए। ऑपरेशनल ड्यूटीज के अलावा कैप्टन्स कुछ एडिशनल ड्यूटीज भी डिस्चार्ज करते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पर्सनल, अकाउंट्स मैनेजमेंट इंक्लूडिंग पब्लिक फंड्स, सर्विसबिलिटी ऑफ वेपन्स एंड अदर इक्विपमेंट, ग्रूमिंग ऑफ हिज जूनियर्स, मेस मैनेजमेंट ड्यूटीज, मेंबर ऑफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज एंड बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स, लाइजनिंग विद सिविल अथॉरिटीज, सिक्योरिटी ऑफ यूनिट एरिया, ऑर्गेनाइजिंग वेरियस स्पोर्ट्स एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटिशंस एंड पार्टिसिपेटिंग इन दैम, कीपिंग हिज मैन मोटिवेटेड एंड सॉर्ट आउट देयर प्रॉब्लम्स वेदर इट इज पर्सनल और प्रोफेशनल, एंड एनी टास्क डीम्ड फिट बाय सुपीरियर ऑफिसर रिक्वायरिंग हिज और हर असिस्टेंस लाइक प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। ऑल इन ऑल कैप्टन एक यूनिट फंक्शनिंग में अहम रोल निभाते हैं, और उनका एक्सपीरियंस एज कैप्टन आगे चल के उन्हें एक एफिशिएंट मिलिट्री लीडर भी बनाता है। आई होप इस वीडियो से आपको कैप्टन की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में काफी कुछ पता चला होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। साथ में सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SSB क्रैक एग्जाम्स को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।